वेलकम टू जॉब फाइंडर दोस्तों। और देखिए आज का वीडियो हमारा हरियाणा पुलिस पटवारी ग्राम सचिव हरियाणा के जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए है। आपको पता है पटवारी और ग्राम सचिव का एग्ज़ाम जो शायद नेक्स्ट मंथ अप्रैल में हो सकता है, तो यहाँ पर हम पॉलिटी के टॉप 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपको पता है जो हरियाणा में जीके का लेवल है वह बहुत इंक्रीज हो चुका है, बट पॉलिटी के अभी भी 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए आप अगर हरियाणा की तैयारी कर रहे हैं तो अपना खुद से प्रैक्टिस सेट लगा कर चलना कि आपके यहाँ पे कितना स्कोर हो रहा है। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको ज़रूर हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा सभी क्वेश्चन के आप खुद से जवाब देने की कोशिश करना, अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। पहला क्वेश्चन है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में एक डैश कथन सही है, ऑप्शन आपके सामने हैं। और देखिए हरियाणा के एग्ज़ाम में इसी लैंग्वेज में क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़े लंबे लंबे क्वेश्चन दे रहा है वो। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की हम बात करेंगे तो ये अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सेकंड है हमारा, संसद शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई। तो देखिए संसदीय शासन प्रणाली भारत में भी उसी देश से ली गई है, तो वो देश कौन सा है, तो वो देश है ब्रिटेन। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे थर्ड है हमारा, किसी क्षेत्र को अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे है, ऑप्शन आपके सामने हैं। और देखिए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र घोषित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी निम्नलिखित में से किसके पास होता है, और ये क्वेश्चन आपके HSSC में भी आ चुका है प्रीवियस ईयर में। तो इसमें 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से एग्जाम में आया था। तो देखिए ये हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मंत्री परिषद। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है। तो किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है, अगर आपने ऑप्शन डी चूज़ किया है लोकतांत्रिक गणराज्य गणतंत्र, तो आपका जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, किस संविधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, और ये भी क्वेश्चन आपके HSSC में आ चुका है, शायद आप क्वेश्चन देख के पहचान गए होंगे, जाना पहचाना क्वेश्चन है ये, आपके हरियाणा के एग्जाम में रिपीट हो चुका है 2 बार। तो कौन से संविधान संशोधन द्वारा, तो ये है 56वां संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7, पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु निर्भर हैं। तो पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु निर्भर होती हैं सरकारी अनुदान पर, ऑप्शन बी हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था, और ये भी क्वेश्चन आपके हरियाणा के एग्जाम में आ चुका है पहले एग्जाम में, अगर आपने प्रीवियस ईयर सेट लगाया है तो आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिला होगा। तो वो है नीलम संजीवा रेड्डी, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं, और ये तो क्वेश्चन अभी हाल ही के एग्जाम में आया था, आई थिंक क्लर्क वाले एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, अनुच्छेद 51 जो है वह मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा 10 है, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या होती है, ऑप्शन सारे आपके सामने स्क्रीन पे हैं, अगर आपको थोड़ा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। वीडियो ख़त्म होने के बाद ज़रूर बताना कि आपका स्कोर कितना है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बहुत सारा कॉन्टेंट अवेलेबल है हरियाणा का, उन सभी को जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, मंत्रिमंडल से अधिक होती है मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या। राइट, क्वेश्चन नंबर 11 है, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। तो देखिए राज्य के राज्यपाल की बात करेंगे तो कुछ लोग क्या करेंगे, मुख्यमंत्री आंसर करेंगे, बट राष्ट्रपति का मुख्यमंत्री से कोई भी लिंक नहीं होता। राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति करता है, क्योंकि राज्यपाल जो होता है वो लाभ के प्रति जो है वो निष्फल होता है। ठीक है, वो किसी भी लाभ के लिए उत्तरदायी नहीं होता, इसलिए वो मुख्यमंत्री की सलाह से कभी भी राज्यपाल की नियुक्ति नहीं करते। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने से पहले ही त्याग पत्र देने वाले प्रधानमंत्री हैं। तो चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी दोनों ने ही विश्वास मत प्राप्त करने से पहले ही त्याग पत्र दे दिया था। ओके, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 है,
विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? विधानसभा के सभी सदस्य मिलकर। ऐसे ही हम बात करेंगे लोकसभा अध्यक्ष की, तो लोकसभा अध्यक्ष जो कि सेंटर का है, इसके अध्यक्ष का चुनाव भी कौन करता है? तो लोकसभा के मेंबर करते हैं। ओके, तो ये ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा 14 है, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है? अनुच्छेद 165 किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी के बारे में दर्शाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एडवोकेट जनरल बोलते हैं, यानी कि महाधिवक्ता बोलते हैं। देन अनुच्छेद 76, और देखिए ये जो महाधिवक्ता होता है वो राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी है, ठीक है। अनुच्छेद 76 अटॉर्नी जनरल, ठीक है, महान्यायवादी, और ये केंद्र का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, ये ध्यान रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 15 है, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो द्वितीय अनुसूची की हम बात करेंगे तो महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से है। तीसरी अनुसूची में हमारा है शपथ है, भाषाओं जो है वो 8वीं अनुसूची में है, ठीक है, तो ये सभी ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16 संविधान की 8वीं अनुसूची में 21वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो देखिए कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, सिंधु, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये 3-4 भाषाएं जोड़ी गई थी उस समय। तो इसमें देखिए ऑप्शन में सिर्फ हमको सिंधी दे रखा है, जो कि इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 17 निम्नलिखित में से कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा? तो सबसे कम समय के लिए कौन थे? तो वो थे वीवी गिरी। और देखिए ये क्वेश्चन जो है वो ऑथेंटिक है, ठीक है, ये इनका ये नहीं पता कि ये कौन से एग्जाम में आपको मिल जाए हरियाणा के, क्योंकि सभी के सभी क्वेश्चन जो है वो एक्सपेक्टेड होते हैं, इनकी नॉलेज होना आपको बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 है, भारत में लोकसभा अध्यक्ष पद की स्थिति निम्न में से किसके समान है? यानी कि जो लोकसभा अध्यक्ष का पद है वो कौन से देश के किसी पद के समान होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष जो है वो इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन के अध्यक्ष की तरह है, यानी कि जो इंग्लैंड की लोकसभा है उसका जो अध्यक्ष है उसके पद अध्यक्ष के समान भारत के लोकसभा अध्यक्ष का पद होता है। क्लियर इतनी बात। क्वेश्चन नंबर 19 कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निश्चय अंतिम रूप से कौन करता है? तो देखिए अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित है, आपको पता होगा। 112 जो है वो बजट से संबंधित है, तो अनुच्छेद 110 धन विधेयक संबंधित है, इसका फैसला कौन करता है? तो वो करता है लोकसभा अध्यक्ष कि कोई धन विधेयक है या नहीं, और ये पहले लोकसभा में भेजा जाता है 14 दिन के लिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? तो प्रथम रक्षा मंत्री, प्रतिरक्षा मंत्री स्वतंत्र भारत के कौन थे? तो इनका नाम था बलदेव सिंह, ऑप्शन बी आपने चूज किया होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है? तो देखिए यहाँ पर आपको कैसे चूज करना है, अनुच्छेद 14 से 18 आपको पता है समानता के अधिकार से संबंधित है, तो 14, 15, 16 और अनुच्छेद 19 जो है वो नागरिकता से संबंधित है, तो ये जो है ये भिन्न वर्ग में आता है। ओके, ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 लोकसभा निम्नलिखित में से किसके द्वारा भंग की जा सकती है? तो देखिए संसद का निम्न सदन होता है लोकसभा, इसको हम भंग कर सकते हैं, और संसद का उच्च सदन होता है राज्यसभा, जो कि कभी भी भंग नहीं की जाती, ठीक है, कभी भी भंग नहीं की जाती। और देखिए राज्यसभा जो है वो अनुच्छेद 80 में है, लोकसभा अनुच्छेद जो है वो 81 में है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर बात करेंगे लोकसभा जो है वो प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा भंग की जा सकती है। ओके, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 है, एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति का वर्णन है, भारत के राष्ट्रपति पद का वर्णन है, तो भारत के राष्ट्रपति के लिए कोई भी सीमा नहीं है, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार भी बन सकता है, तो ऑप्शन बी हमारा इसका बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24 भारत के संविधान की 6वीं अनुसूची का प्रमुख उपबंध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ऑप्शन सी उत्तर पूर्व भारत में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन में स्वायत्तता से, ऑप्शन सी अगर आपने चूज किया है तो इसका आंसर बिल्कुल आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25 मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो इसमें भी 3 से 4 तरह के क्वेश्चन है। देखिए मौलिक अधिकारों के निलंबन की हम बात करेंगे तो वो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अब अगर यहाँ से आ जाए मौलिक अधिकारों में संशोधन तो भी जो है कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे? राष्ट्रपति लगा देंगे। संशोधन अलग है, यानी कि उन्मूलन की बात कर रहा है, अमेंडमेंट की बात कर रहा है, तो इसमें संशोधन जो करेगी वो संसद करेगी, और मौलिक अधिकार हनन होने पे कोई भी जो है वो
उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है, तो ये तीसरा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर सर्वोच्च न्यायालय होता, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखेंगे। मौलिक अधिकार आपको पता है 12 से अनुच्छेद 35 तक सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? और अभी तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। 352 की मैं बात करूँगा तो ये क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल है। कोई युद्ध वगैरह छिड़ेगा तो यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा। 356 ये है राजकीय आपातकाल, ठीक है। कोई सूखा वगैरह पड़ेगा किसी राज्य में भूखमरी होगी, पानी की कमी होगी, तो राजकीय आपातकाल लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 360 जो है ये किसका होता है, ये होता है वित्तीय आपातकाल, जो कि अभी तक एक भी बार नहीं लगा है। अगला क्वेश्चन है हमारा 727, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? तो भारत के पहले कानून मंत्री ही पूछा है जिन्होंने संविधान का निर्माण किया था, B.R. अम्बेडकर। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही होगा। 28 संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है, 312 संबंधित है अखिल भारतीय सेवाओं से। नेक्स्ट है यहाँ पे 29, निम्न में से कौन पंचायती राज संस्था नहीं है? तो पंचायती राज आपको पता है वो त्रिस्तरीय संस्था होती है, बलवंत राय समिति ने जो है यह संस्था दी थी। और देखिए क्या होती है, ग्राम पंचायत सबसे पहले, फिर हमारी पंचायत समिति, सबसे ऊपर जिला परिषद, और नगर परिषद जो है वो ग्राम पंचायती राज का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो किसके द्वारा मंजूर किया जाता है, गवर्नर जो होता है वो कहाँ होता है, वो राज्य में होता है, और राज्य के विधानमंडल द्वारा ही गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश वो मंजूर किया जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो गाइस ये थे आपके टॉप 30 क्वेश्चन, उम्मीद करूंगा वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।